मोहम्मद इमरान महंगाई से तंग आकर स्पाइडरमैन के लिबास में अपनी बेटी के साथ खड़ा हुआ है और सड़क पर गुलूकारी दिखा रहा है। अदाकारी भी कर रहा है और उसका कहना है कि महंगाई से तंग आ गया, नौकरी से घर पूरा नहीं हो रहा, इसलिए स्पाइडरमैन के लिबास में अपनी बेटी के साथ लोगों को हंसाता हूँ। लोग तस्वीर खिंचवाते हैं और कुछ पैसे दे जाते हैं। आइए मोहम्मद इमरान की कहानी सुनते हैं कि आज वो यहाँ क्यों है और भीख क्यों नहीं मांग रहा। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान। सर, मैं स्पाइडरमैन का अभी फिलहाल तो काम कर रहा हूँ। ऐसे बेसिकली जो है मैं शटरिंग का काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं काम करता हूँ पार्ट टाइम में। तो अभी हम लोग निकले हैं तो स्पाइडरमैन का काम करने के लिए आए हैं। तो लोग हमें देखते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो उनके पेरेंट्स आते हैं, हमारे पास कोई वीडियो बनवा लेते हैं, तो कोई जो है वो पिक्चर वगैरह बनवा लेते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं, इंजॉयमेंट हो जाती है। तो उनके पेरेंट्स जो है कुछ हमें खर्चा पानी दे देते हैं कुछ खुशी से अपनी। सर, वजह माली हालात ही हैं आज के दौर का। आपको पता है कितनी महंगाई चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं। बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी पड़ती है, मकान मेरा किराया का, तो मकान का किराया भी देना पड़ता है। और घर के दीगर अखला जाते हैं, खाना पकाना, सो मामला आ रही है, बीमारी है, दिल तकलीफ इंसान के साथ है। तो वसाइल मेरे कम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं। मेरे घर का सर 13,000 रुपये किराया है। तो अभी काम मिल जाता तो काम पे चले जाते हैं, वरना फिर इस काम के लिए निकलना पड़ता है मजदूरों को। इसी से हमारा गुजर बसर है। ये बिल्कुल तंग भी करते हैं और अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो हमें तो फिर लिबास ऐसा करा हुआ है कि सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, तंग करने वालों को भी। अब काफ़ी लोग हैं वो गलत कमेंट्स भी कर जाते हैं, बदतमीजियाँ भी कर जाते हैं, कोई पीछे से गाली फेंक जाता है, कोई लानत भी दे जाता है, कोई ऐसे गलत उंगली का इशारा भी करता है। तो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या करते हैं। और उनके लिए सर दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, क्योंकि हर इंसान का एक माइंड नहीं है, शैतान सबके साथ लगा हुआ है। जो अच्छी तरबियत के लोग हैं, जिनके माइंड अल्लाह ताला ने अच्छे बनाए, वो अच्छे कमेंट्स भी करके चले जाते हैं, अच्छी गुफ्तगू भी हमसे करके चले जाते हैं। और खुश भी होते हैं हमसे कि यार आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, लोगों के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो वक्त और हालात को देख के जो है सर हमें ये बर्दाश्त भी करना पड़ता है। सर, एक बेटा है मेरा, वो 6 बेटियाँ हैं, 2 इससे छोटी हैं, 3 बड़ी हैं। तो हमारी राजस्थान का कास्ट है, तो उसमें हम लोग जो है बच्चियों को फ्री पढ़ाते हैं, तो कोई जॉब वॉब का सिस्टम नहीं होता। बच्चियाँ अलहमदिल्ला मेरी कुरान पाक पढ़ी हुई हैं घर में, 3 बच्चियाँ बड़ी हैं, 2 इससे छोटी हैं। बेटा है मेरा वो छोटा है अभी, तकरीबन 4 साल का है। सर, कराची वालों से हम यही चाहेंगे कि वो हमारे मुसलमान भाई हमें सपोर्ट करें। तो शौकिया तो हम खड़े हैं, मजबूरी और वक्त और जो हालात है उसकी वजह से हमें आना पड़ता है। हमारी यही गुजारिश है कि वो हमारे साथ ताउन करें और सपोर्ट करें। जी, मेरे फ़ोन नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरा 03-03-00-22-96-313। हमें स्कूल जाता है KG-2 अच्छा लगता है। बस यही कहना चाहूँगी, हमारे साथ सपोर्ट करें। मजबूरी के तहत आना लगता है, अच्छा नहीं लगता।